राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूं आप सबका किचन वर्ल्ड बाई कृतिका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्प्रिंग रोल की परफेक्ट रेसिपी। शादी, पार्टी या कोई खास मौके पर अक्सर स्प्रिंग रोल को स्टार्टर या एपेटाइजर के रूप में सर्व किया जाता है, लेकिन आजकल इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि इसे लोग कहीं भी कभी भी ऑर्डर देकर मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये होती ही इतनी टेस्टी है कि इसे खाए बिना कोई भी रह नहीं सकता। लेकिन इसे आप घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल के लिए शीट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ ले लिया एक छोटी कटोरी मैदा। इसमें मिलाते हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मिलाएंगे एक चम्मच करीब घी। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, बिल्कुल जैसा कि हम रोटियों के लिए लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा डो। स्प्रिंग रोल की शीट कई तरह से तैयार की जाती है, लेकिन मैं यहाँ जिस तरीके से बना रही हूँ वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, जिससे हमारे स्प्रिंग रोल ऑयल को बहुत ही कम सोक करेंगे। डो तैयार हो जाने के बाद इसे रेस्ट करने रख देते हैं, तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है कुछ सब्जियाँ, जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर ले सकते हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। गर्म होने पर इसमें डालते हैं हम कसी हुई अदरक लगभग एक छोटी चम्मच। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और अब इसमें मिलाएंगे हम कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हम हल्का सा सौते कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें प्याज मिला देते हैं। अगर अनियन आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हल्का सा सौते करने के बाद हम मिलाएंगे इसमें हमारी बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मिला देते हैं मटर और अब सबसे लास्ट में मिलाएंगे इसमें पत्ता गोभी और टमाटर। पत्ता गोभी को हमेशा सबसे लास्ट में ऐड करें, जिससे उसमें एक्सेस्ट वाटर रिलीज ना हो। अब हम सबको मिक्स करके इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, कुटी हुई काली मिर्च, टमाटो केचप, थोड़ी सी सोया सॉस और विनेगर। विनेगर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप मिला सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स को ओवरकुक बिल्कुल नहीं करना है और फिलिंग की प्रोसेसिंग आपकी पूरी स्लो टू मीडियम फ्लेम पर होगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी फिलिंग अब तैयार है और इसको साइड से रख देते हैं ठंडा करने के लिए। डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है, इसका एक रोल तैयार करेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस में हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। इस एक छोटी कटोरी आटे में आपकी 10 शीट बनकर तैयार हो जाएंगी। मैंने इनकी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर ली हैं। अब हम एक लोई को इस तरह से मैदे की ही डस्ट के साथ एक रोटी साइज से थोड़ा बड़े आकार में हमें इसको बेलना है और एक हल्की और पतली शीट हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए शीट हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही हल्की है, बहुत ही पतली है ये। और अब हमें क्या करना है, तवे को हमें रखना है स्लो फ्लेम पर और 5 से 6 सेकंड में ही एक साइड से आपकी शीट कुक हो जाएगी। तो पलटने के बाद भी आपको 5 से 6 सेकंड में उसे हटा लेना है। और ये देखिए हमारी शीट भी अच्छे से तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी थिन बनी है हमारी शीट। और इसी तरह से हम और भी शीट तैयार कर लेते हैं। ये तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। और जब हम इस तरीके से शीट तैयार करते हैं तो हमारे स्प्रिंग रोल बहुत ही कम ऑयल सोक करते हैं। और ये देखिए हमने अपनी शीट तैयार कर ली है और यहाँ मैंने सलरी भी तैयार करके बना ली है। एक चम्मच मैदा में थोड़ा सा पानी हमने मिला लिया था। तेल मैंने यहाँ गर्म करने रख दिया है। अब हम एक शीट लेते हैं और उसके ऊपर लगाएंगे हम अपनी फिलिंग एक साइड से, और अब हमने जो स्लरी तैयार की थी उसे एक साइड से इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे, फोल्ड करेंगे। और ये हमें टाइटली हमें फोल्ड करना है, जिससे हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। और लास्ट एजेस पे भी हम इस तरह स्लरी लगा देंगे और इसे टाइटली फोल्ड करते हुए पैक कर देंगे। और हमारी परफेक्ट स्प्रिंग रोल बनकर तैयार है। इसी तरह हम एक और तैयार करते हैं
साइड से हम लगा देते हैं फिलिंग, स्लरी लगाते हैं, दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और फिर एक एजिस को लेकर टाइटली प्रेस करते हुए हम दूसरी एजिस से मिला देते हैं। और ये देखिए हमारी स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरह मैंने और भी स्प्रिंग रोल तैयार कर ली हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। स्प्रिंग रोल के लिए हमेशा गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रोल्स परफेक्टली कुक नहीं होंगी। अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और जैसे ही ये हल्के टाइट होते हैं वैसे ही हम इनको पलट देंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और चारों तरफ से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और कुछ ही मिनट्स में हमारी स्प्रिंग रोल गोल्डन फ्राई हो जाएंगी। फिर हम इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी स्प्रिंग रोल अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं और परफेक्टली कुक भी। ये देखिए हमारी स्प्रिंग रोल कितने अच्छे से, कितनी क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग। सुनी आपने इसकी क्रंच की आवाज़? कहा था ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनकर हमारी स्प्रिंग रोल तैयार हुई हैं और टेस्ट बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसा। तो ढेर सारी वेजीज के क्रंच के साथ कुरकुरी क्रिस्पी हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए और लुफ्त उठाइए इस गर्मा गर्म स्नैक्स का। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको स्प्रिंग रोल की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।